हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। एंड जो रेसिपी मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वह स्वीट कॉर्न मसाला चाय। आप भी जरूर ट्राई कीजिएगा, बहुत क्रिस्पी और क्रंची बनेगा। चलिए फ्रेंड्स, हमारी वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलें। चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं। ये देखिए, हमने यहाँ पे दो भुट्टे के दाने को अलग कर दिया है। अब हम इसे उबालेंगे। अब हम इसमें पानी डालेंगे एक गिलास और एक चम्मच नमक डालेंगे ताकि ये अच्छे से ऑब्जर्व कर ले उबलने में, और थोड़ी सी हल्दी कि इसको अच्छा सा कलर मिल जाए, और इसमें हम थोड़ा सा मीठा सोडा डाल देंगे ताकि ये जल्दी से उबल जाए। ये देखिए, यहाँ पे हमारा मक्का उबल के तैयार हो गया है और इसमें हमने आधा चम्मच मीठा सोडा मिलाया था और 15 मिनट उबालने के बाद ये हमारा तैयार है। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे स्वीट कॉर्न चाट बनाने के लिए हमने यहाँ पे कुछ सब्जियों का प्रयोग किया है, जैसे कि दो प्याज और एक मिर्च को चॉप कर लिया है हमने, एक कैप्सिकम को चॉप किया है और एक टमाटर को चॉप किया है। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने चाट के लिए मसाले लिए हैं। तड़के के लिए हमने थोड़ा सा जीरा, थोड़ी सी राई ली है, नमक लिया है, लाल मिर्च पाउडर लिया है थोड़ा सा भुना हुआ जीरा और लाल सूखी मिर्च का पाउडर लिया है, और ये गरम मसाला है थोड़ा सा, और ये चाट मसाला है, और ये थोड़ा सा काला नमक है। यहाँ पे हमारा फ्राई पैन गरम हो गया है। अब इसमें हम थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल डालेंगे। हमारा तेल गरम हो गया है, अब हम इसमें तड़का लगाएंगे। यहाँ पे हमारा तड़का भून गया है, अब हम इसमें प्याज डालेंगे। थोड़ा सा प्याज हम रख लेंगे ऊपर से डालने के लिए। यहाँ पे हमारा प्याज हल्का सा गोल्डन ब्राउन हो गया है, अब हम इसमें कैप्सिकम ऐड कर देंगे। अब हम इसे चला लेंगे। ये हमारा हल्का सा पक गया है, अब हम इसमें टमाटो ऐड कर देंगे। यहाँ पे हमारी सब्जियाँ धीरे धीरे पक रही हैं, हल्की हल्की, ज़्यादा नहीं पकाना इनको, थोड़ा सा क्रंचीनेस रखना होता है। अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे, सारे मसाले डाल देंगे हम एक साथ, और इन्हें मिला लेंगे अच्छे से। यहाँ मसाले हमारे मिल गए, हम इसमें कॉर्न ऐड कर देंगे। इसको अच्छी तरीके से भून लेंगे। अब 5 मिनट तक इसको पकाने के बाद अब हम गैस की फ्लेम बंद कर देंगे और हम इसमें नींबू ऐड कर देंगे। अब ये तैयार है, आप इसे गर्मा गर्म भी सर्व कर सकते हैं।